सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सिवा नंबर वन और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर वन। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब की बटन में जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबा दें जिससे घर बैठे आप नोटिफिकेशन पा सकें। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट मैच है T10 का, FCS वर्सेस DV, इनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर्स आपको लेने हैं, ग्रैंड लीग में कौन से लेने हैं, स्मॉल लीग में और कौन से लेने हैं, हेड टू हेड में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपको हेड टू हेड स्पेशल टीम लेनी है ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। आप वहाँ हमें मैसेज कर लें, कॉन्टेक्ट भी मैंने दिया दे के रखा है। तो आपको हेड टू हेड की 100% विनिंग टीम आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जो आपको सेम वही रहती है, ठीक है ना। आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन या फिर एक से दो प्लेयर चेंज होने की उम्मीद रहती है हेड टू हेड पे, जिससे आप सामने वाले से आप जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सबसे पहले जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम चैनल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन या फिर टेक्निकल सिवा नंबर वन जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको टीमें प्रोवाइड हो जाएंगी। और ये अभी टेम्परेरी टीम है, ठीक है। उसके बाद आपको मेन टीम, जो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है, जो टॉस अपडेट के बाद आपको दे दी जाती है। तो सबसे पहले आज का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, आज का मैच, ठीक है ना। तो ये लो स्कोरिंग मैच होता है, जैसे कि सेकंड इनिंग पे बहुत ही लो स्लो पिच हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज बैटिंग पिच ग्राउंड होता है, ठीक है। पिच ये स्लो इन द सेकंड इनिंग, ठीक है ना। सबसे पहले नॉट चेंज द मस्ट होता है, सेकंड इनिंग में जीतने के चांसेस भी कम रहते हैं। जो फर्स्ट इनिंग में अच्छे रन बना दिया वही जीत जाता है। इस पर अभी स्कोर इस टाइप का बना है। तो FCS में जी पॉप आर स्कॉट बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। आर स्कॉट है, जो डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें तो रिकॉर्डिंग की बहुत ही अच्छा है, जो लास्ट 13 गेम में इन्होंने माने 549 रन। लेकिन आर स्कॉट अभी यहाँ से आर विलियम इन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात करते हैं आर स्कॉट की, आप दे सकते हो, तो इन्होंने जो मारा था वो लास्ट 13 गेम में 549 रन मारे हैं। लेकिन आर विलियम्स हैज हाई चांस टू ओपन विथ पॉप की जगह, जो लास्ट मैचेस पे इन्होंने मारे थे सिर्फ 8 रन, ठीक है ना। एस विलियम कमिंग फर्स्ट डाउन पे आ सकते हैं, तो आप इन्हें जी पॉप और एस विलियमसन को जरूर पिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके फर्स्ट डाउन की बात करें, उसके अलावा जो आएंगे आर विलियमसन हो सकते हैं, जो स्लो लास्ट गेम प्लस लुक एट गुड फर्स्ट गेम, तो जो इनके भी अच्छे रिकॉर्ड हैं लास्ट 11 मैचेस पे, T20 मैचेस पे इन्होंने 293 रन बनाए। और जो मिडिल ऑर्डर पे आर कॉटी हैं, सी स्टोव हैं, केलिया हैं, इन्हीं में से आपको मैं बताऊंगा कि कौन से आपको ग्रैंड लीग में लेने हैं, कौन से प्लेयर आपको स्मॉल लीग में, और इन्हीं में से आपको किसे ड्रॉप करना है ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग में। तो फ्रेंड, यही कुछ होते हैं तुरुक के इक्का, जिससे आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में अच्छी रैंकिंग के साथ साथ अच्छी विनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ से आपसी स्टोव की, तो यहाँ पे स्ट्राइक बॉलिंग वेरी वेल है, और 2 ओवर लास्ट मैचेस पे करते थे, ठीक है ना। इनके विकेट, एक आध विकेट जरूर निकाल लेते हैं। के लेवलिया भी है, बैटिंग बहुत नीचे आती है, लेकिन जब आती है अच्छे खासे शॉट मार के देते हैं। इनकी बैटिंग तभी आती है जब जल्दी जल्दी 3-4 विकेट गिर जाए 3 से 4 ओवर के अंदर, तभी इनकी के लेवलिया की बैटिंग आती है, नहीं तो लास्ट में फिर इनकी बैटिंग नहीं आती। और बॉलिंग ज़रूर है, बहुत अच्छी बॉलर है, एक आध विकेट ये ले के दे सकते हैं। और यहाँ पर आर फेकली की बात करें, पिछली परफॉर्मिंग की वेरी बहुत ही अच्छी आई थी, गुड ऑलराउंडर की तरह से बात करते, लेकिन इनकी बात करते हैं तो बॉलिंग की, तो बॉलिंग बहुत ही नीचे करते हैं। लास्ट डोमेस्टिक की बात करें, इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है स्पेंसर का, जो लास्ट 19 गेम में 26 विकेट लिए हैं बॉलर लास्ट गेम। इन्हें GL ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। आर जॉर्डन है और आर फेकलिंग, इन्हें लास्ट पेस अटैक पे जरूर ले, वेरी गुड बॉलर हैं, आप ले सकते के लावी और के कोटी भी आपके स्पिन बॉलिंग अटैक पे आपके हो सकते हैं। दोनों टीमें 20-20 पॉइंट्स दिला दिए थे, और जॉर्डन जो हैं वो आपको ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। डीविया की बात करें,
ग्रेव्स एस हूपर ओपनिंग द इनिंग आएंगे। लास्ट मैच में बहुत अच्छी दोनों टच पे थे और अच्छे खासे रन देखने को मिले थे। एस हूपर जो एंड ग्रेव दोनों ऑलराउंडर हैं और एल गेम्स बैट वन डाउन। एल गेम्स जरूर पिछली परफॉर्मेंस इनकी शानदार नहीं रही थी, विकेट भी नहीं पाए थे, लेकिन जिस दिन मैंने ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में दोनों इसलिए लेने को कहता हूँ कि आपकी एक टीम जरूर है कि आप कोई भी प्लेयर सभी तो अच्छे नहीं खेल जाते, लेकिन जिस दिन ये चलेगा बंदा एक तरफा ग्रैंड लीग विन करवाएगा तो आप इन्हें जरूर लीजिएगा। ए थॉमस के हॉर्न ओ मैथ्यूज में किसी एक को लेना है तो वो मैथ्यूज़ को आप पिक कर सकते हो यदि बैटिंग आती है। एक थॉमस की बहुत शुरुआत में एक आध मैच ओपनिंग करने आए, फिर उसके बाद इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही नीचे आ गई जिसके कारण ए थॉमस नॉट लुक एट द ग्रेट फॉर्म। बस टी ट्वेंटी में अच्छे बैटिंग पे नहीं है, ठीक है। हॉर्न बैटिंग इज लो, बहुत ही नीचे आ रही है। वेरी गुड हिटर बस ऑफ द बॉलर के हॉर्न, ठीक है। ओ मैथ्यूज नॉट गुड मच देम टाइम, तो मैथ्यूज को भी आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ग्रैंड लीग के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। डी होटे बहुत अच्छे हो सकते हैं। एस बर्नम भी जो आपके लिए हिटिंग के साथ साथ तो जिनकी बैटिंग तो आ ही नहीं सकती लेकिन ये बॉलिंग में एक आध विकेट जरूर ला के दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके डी मार्टिन के स्टोर हो जाएंगे, इन्हें जरूर पिक कर लीजिएगा। लास्ट में बहुत अच्छे गुड बॉलिंग के एस विलियमसन के साथ बॉलिंग करे थे डी ग्रेव जी, जो लास्ट के 4-2 ओवर्स दिए थे और अच्छे खासे आपको यहाँ से बॉलिंग भी दे सकते हैं। डी मार्टिन है जो वेरी कॉमिकल लेस्ट के साथ साथ आपके लिए ये अच्छे पिक कर सकते हैं। ई एम एडवर्ड मैंने लास्ट में आपको लेने के लिए बोला था तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ओवर किया था, 2 रन 1 विकेट इन्होंने लिया था, तो बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्लेयर किससे लेने हैं, डेरन को, एस हूपर, एस विलियम्स, लिंडन जेम्स, ठीक है ना, इन्हें जरूर ले। जे पोप्स, विलियमसन और के लेविया हैं। इनके अलावा आपको कौन से लेने हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। टॉस के बाद ग्रैंड लीग स्मॉल लीग 7 प्लेयर्स के बाद आपके ग्रैंड लीग के टॉप 4 प्लेयर्स कौन से होंगे जो आपको ग्रैंड लीग विन कराएंगे। यदि आप में से कोई ध्यान से सुन रहा है मेरी बातें और ग्रैंड लीग आप सच में विन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अभी ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं, चाहे वो ड्रीम 11 पे हो या फिर जीत 11 पे या फिर माई टीम 11 पे, तो मेरी कहे अनुसार यदि आप टीम बनाते हो ना तो 100% आप ग्रैंड लीग के टॉप 100 में तो रहोगे ही रहोगे। यदि आप उनमें से 5 से 6 टीमें अपनी लगाते हो तो उनमें से 1-8 टीम टॉप 100 में रहेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप मेरे से टीम बनवाते हो, अपनी टीम अपने दिमाग से बनाते हो, मैं जो जैसा बताया हूँ, ठीक है ना। अभी ये टेम्परेरी टीम है जो आपको मिल गई। एल जेम्स भी कैप्टन वाइस कैप्टन के एक बहुत अच्छे हैं। जी पॉप्स हैं आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके पास अवेलेबल हैं, ये आपके पास हैं। एस हूपर, एस विलियमसन है जो पिछली परफॉर्मेंस को हटा दिया जाए तो इन्होंने 3 विकेट लिया था। के कॉटी जरूर ये ग्रैंड लीग में आप पिक कर सकते हैं, पिछली परफॉर्मेंस में 28 पॉइंट इन्होंने दिया था, लेकिन बात करते हैं ये जरूर फॉर्म पे नहीं है, लेकिन जिस दिन चलेंगे एक तरफा लेके जाएंगे, इसलिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक माने जा रहे हैं। डी मार्टिन, आर जॉर्डन, आर फेकलिस, इन्हीं में से 1-8 मैं चेंज करूँगा, ठीक है ना, जो आपको ग्रैंड लीग में। और इस ऑलराउंडर पे बात करें तो मैंने 3 ऑलराउंडर के साथ जाना चाहूँगा, इनमें से 1 मैं ड्रॉप करूँगा। कौन से वो ड्रॉपर होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपको वीडियो बना के लाता हूँ ग्रैंड लीग स्मॉल लीग, यदि आप सच में विन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।